हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, दिस इज मी मोहम्मद जुनैद एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आई एम हेयर वंस अगेन। तो जनाब, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो क्लास 9th फिजिक्स से है, और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं जो कि डायनामिक्स हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था काइनेमेटिक में कि काइनेमेटिक क्या है। काइनेमेटिक स्टडी ऑफ मोशन है विदाउट इट्स कॉजेज, कि किस वजह से मोशन प्रोड्यूस होती है। लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है वो डायनामिक है, और डायनामिक इसे कहते हैं कि स्टडी ऑफ मोशन बाय एनालाइजिंग इट्स कॉजेज। यह काइनेमेटिक का एक ब्रांच है, ठीक है जी। और इसमें हमने पढ़ना है फोर्स को, कि फोर्स क्या चीज है। फोर्स क्या है? फोर्स जो है ना, फोर्स इज अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी, या फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है विच मूव्स आर टेंड्स टू मूव अ बॉडी, स्टॉप्स आर टेंड्स टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी। यह फोर्स की डेफिनेशन है। सिंपली फोर्स या तो स्टॉप्ड बॉडी को मोशन में लाती है या मूव बॉडी को स्टॉप करती है। वो बॉडी जो मूव कर रही होती है उसी को स्टॉप करती है। तो फोर्स के टाइप्स हैं हमारे पास, उसको भी हम आज डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं फोर्स के। टाइप्स ऑफ फोर्स को एक्सप्लेन करने से पहले हम आते हैं कॉजेज ऑफ फोर्स की तरफ, के कौन कौन से काजेज हैं जो कि फोर्स को प्रोड्यूस करती हैं। काज नंबर 1, मूव अ स्टील्ड बॉडी, खड़ी हुई बॉडी को मोशन में लाना। नंबर 2, ड्रैगिंग नेल्स बाय हैमर एटसेट्रा एटसेट्रा। ये हमारे पास कॉजेज ऑफ फोर्स है, ठीक है जी। इन्हीं वजह से फोर्सेस प्रोड्यूस होते हैं। अब इसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ फोर्स की तरफ, जो कि 2 टाइप्स हैं हमारे पास फोर्स के। एक को कहा जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स और दूसरे को कहा जाता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर मिसाल देता हूँ। यानी यहाँ पर एक आदमी खड़ा है और यहाँ पर एक चेयर भी पड़ी है, तो ये आदमी इस पे फोर्स एग्जर्ट करता है या इसको पुश करता है या पुल करता है। तो इस दौरान ये जो बॉडी है, मैन है, इसका जो फोर्स है इस चेयर के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। तो इस किस्म के फोर्सेस को क्या कहा जाता है? कांटेक्ट फोर्सेस कहा जाता है। इस किस्म के जो फोर्सेस होते हैं इनको कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। बाज ऐसे फोर्सेस होते हैं जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। उसमें हमने करना ये होता है कि इसमें हम डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करते हैं। हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब इसको हम पेंक सकते हैं। जब हम इसको पेंकेंगे तो दोबारा वो ज़मीन की तरफ आएंगे। तो जब वो ज़मीन की तरफ आएंगे तो अर्थ का चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है, ग्रेविटी मौजूद है, उसकी वजह से वो बॉडी जब नीचे की तरफ आएगी तो वो एक्सेलरेट होगी, ठीक है जी। तो जब वो एक्सेलरेट होगी तो उस दौरान उसकी मोशन बहुत तेज होगी, और मोशन जितना तेज उतना ही फोर्स ज्यादा लगेगा। और वो हमारे साथ कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि इसको कहा जाता है इनकॉन्टैक्ट फोर्सेस या नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। अब आते हैं फोर्स के यूनिट की तरफ, कि फोर्स की यूनिट क्या है। जो फोर्स की यूनिट है वो सिस्टम इंटरनेशनल में रखी गई है न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स को न्यूटन रखी गई है। यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। 1 न्यूटन फोर्स कितना फोर्स होगा? 1 न्यूटन फोर्स इज अ फोर्स विच प्रोड्यूसेस
एक्सेलरेशन ऑफ 1 meter पर सेकेंड स्क्वेयर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 kilogram। ठीक है जी, अब इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिख सकते हैं कि 1 newton इज इक्वल टू 1 kilogram मल्टीप्लाइड बाई 1 meter पर सेकेंड स्क्वेयर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। ठीक है, तो ये तो रहा आज का हमारा लेक्चर। होप करते हैं आपको लेक्चर की समझ आई होगी। मुझे नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाज़त दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।